शंख पुष्पी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपकी सोचने और समझने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। यह आपकी मानसिक थकावट को दूर करने का कार्य करती है, आपकी एकाग्रता शक्ति यानी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाने का कार्य करती है, आपको नींद लाने में सहायक रहती है, आपका ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक रहती है और आपको सिर के दर्द में भी आराम पहुंचाती है। तो आज के इस वीडियो में हम शंख पुष्पी के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि शंख पुष्पी के क्या क्या फायदे हैं, किन किन रोगों में शंख पुष्पी उपयोगी है, किस किस प्रकार से शंख पुष्पी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो शंख पुष्पी के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बाजार में शंख पुष्पी आपको आसानी से मिल जाती है और शंख पुष्पी इसका प्रचलित नाम है। इसका लैटिन नेम कॉर्नवॉलबुलस प्लूरिकोलिस है। शंख पुष्पी जो है वह स्निग्ध गुणयुक्त होती है, शरीर में स्निग्धता लाती है, स्वाद में यह कड़वी होती है, कड़वे स्वाद वाली होती है, शीतवीर्य औषधि है, ठंडी तासीर वाली यह औषधि होती है और इसका जो प्रभाव है वह मेद्य प्रभाव होता है। आपके दिमाग को ताकत पहुंचाने वाली, आपके दिल को ताकत पहुंचाने वाली, आपकी स्मरण शक्ति को, आपकी याद करने की क्षमता को बढ़ाने वाली यह औषधि होती है। यह वात पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करती है, विशेष रूप से वात और पित्त दोष का शमन करती है। शंख पुष्पी आपके मस्तिष्क के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी नर्व्स के लिए ताकत पहुंचाने वाली होती है, आपकी नर्व्स को ताकत देती है, आपके दिमाग को ताकत देने वाली यह होती है। जिन लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता हो या जल्दी दिमाग में थकावट हो जाती हो या याद किया हुआ पाठ भूल जाते हो, ऐसे लोगों के लिए शंख पुष्पी विशेष रूप से उपयोगी रहती है। गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी रहता है। और इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती हो, जिन लोगों को इनसोमनिया की शिकायत रहती हो, उनके लिए भी यह विशेष रूप से उपयोगी रहती है। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे की शिकायत रहती हो या जिन लोगों को भ्रम की अवस्था रहती हो, हमेशा सिर घूमा घूमा सा लगता हो, जिन लोगों को शरीर में दाह पड़ती हो, शरीर में जलन रहती हो, मस्तिष्क में दाह रहती हो, सिर गरम गरम रहता हो, या जिन लोगों को पागलपन की भी शिकायत हो, पागलपन के दौरे पड़ते हों, उन लोगों के लिए शंख पुष्पी विशेष उपयोगी औषधि होती है। इसके अलावा शंख पुष्पी दीपन है, पाचन है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली है। अनुलोमन यह औषधि होती है, यानी जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती हो, मल नहीं आता हो, उन लोगों के लिए यह कब्ज दूर करने वाली होती है। जिन लोगों के पेट में वायु का गोला सा घूमता हो या वायु पेट में घूमती रहती हो, बाहर नहीं निकलती हो, उन लोगों के लिए यह विशेष उपयोगी रहती है। इसके अलावा शंख पुष्पी आपके हृदय को ताकत देने वाली है, आपके हार्ट को बल प्रदान करने वाली है, यह आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने का कार्य करती है। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहते हों, उन लोगों के लिए भी शंख पुष्पी विशेष रूप से उपयोगी रहती है। इसके अलावा शंख पुष्पी मूत्रल औषधि होती है, यानी मूत्र की मात्रा को बढ़ाने वाली होती है। तो जिन लोगों को जलन के साथ मूत्र तरता हो या मूत्र त्याग करते समय दर्द की शिकायत रहती हो, उन लोगों के लिए भी शंख पुष्पी उपयोगी रहती है। इसके अलावा शंख पुष्पी वृष्य है, बाजी कारक है, शुक्र दौर्बल्य में यह विशेष रूप से उपयोगी रहती है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का शुक्र दोष हो, उन लोगों के लिए भी शंख पुष्पी उपयोगी रहती है। महिलाओं में यह गर्भाशय को ताकत देने वाली होती है। जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता हो, उन महिलाओं के लिए शंख पुष्पी विशेष उपयोगी रहती है। आयुर्वेद में शंख पुष्पी को प्रज्ञा स्थापक कहा गया है, यानी महिलाओं में गर्भधारण में यह बहुत ही सहायक होती है। इसके अलावा शंख पुष्पी पित्त प्रधान ज्वर में विशेष रूप से उपयोगी रहती है, यानी जिन लोगों को दाहा होती हो, जिन लोगों को जलन पड़ती हो और उसके साथ बुखार रहता हो, या जिन लोगों का शरीर गर्म बना रहता हो, शरीर में हमेशा गर्मी भरी रहती हो, शरीर में जलन रहती हो, ऐसे लोगों के लिए शंख पुष्पी विशेष रूप से उपयोगी रहती है। गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी रहता है, क्योंकि यह शीतवीर्य है, ठंडी तासीर की औषधि होती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए।
शंख पुष्पी एक बहुत ही अच्छी रसायन औषधि है। चरक संहिता में रसायन चिकित्सा अध्याय में इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है और इसके विशेष रूप से रसायन के लाभ बताए गए हैं। तो जो लोग अपनी उम्र पे काबू करना चाहते हों, जो लोग रसायन औषधि के लाभ लेना चाहते हों, उनके लिए शंख पुष्पी विशेष रूप से उपयोगी रहती है। यह शरीर में बल की वृद्धि करने वाली होती है, शरीर में दुर्बलता का नाश करने वाली होती है। जिन लोगों को हर समय शरीर में कमजोरी रहती हो, कोई काम करने का मन नहीं करता हो, उन लोगों के लिए भी शंख पुष्पी विशेष रूप से उपयोगी रहती है। इसके प्रयोग से शरीर में ताकत आती है, काम करने का स्टेमिना बढ़ने लगता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों में 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों में इसका प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी रहता है। बच्चों में इस समय इसका प्रयोग करने से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ने लगती है और बच्चे जो है बुद्धिमान और चतुर होने लगते हैं, उनकी कैचिंग पावर बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार बच्चों में इसका प्रयोग, आप बच्चा चूर्ण के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं और बच्चा चूर्ण आपको 15 ग्राम लेना है और शंख पुष्पी का चूर्ण भी आपको 15 ग्राम लेना है। इन दोनों को अच्छी प्रकार से मिला लेना है और इन दोनों चूर्णों को अच्छी प्रकार से मिलाकर आपको बराबर बराबर 60 पुड़िया बना लेनी है, यानी 500 मिलीग्राम की एक पुड़िया आपको बना लेनी है। और इस प्रकार की पुड़िया का प्रयोग आपको सुबह करना है और शाम को करना है और असमान मात्रा में घी और शहद के साथ करना है। ध्यान रखें, घी और शहद हमेशा बराबर मात्रा में नहीं लिया जाता है, हमेशा कम या ज़्यादा लिया जाता है। तो असमान मात्रा में घी और शहद के साथ इस मिश्रित चूर्ण का 500 मिलीग्राम की मात्रा में प्रयोग करना है, सुबह और शाम प्रयोग करना है। इस प्रकार लगातार आप प्रयोग 3 से 6 माह तक कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े लोगों को अगर इसका प्रयोग करना हो तो शंख पुष्पी चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं, 3 से 5 ग्राम तक की मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी आप घी और शहद के साथ करेंगे तो विशेष रूप से उपयोगी रहता है। और ध्यान रखें, हमेशा बराबर मात्रा में नहीं लेना है घी और शहद, असमान मात्रा में घी और शहद का प्रयोग करना है, 3 से 5 ग्राम की मात्रा में करना है। सुबह नाश्ते के बाद इसका प्रयोग करें और शाम को एक बार प्रयोग करें, दिन में 2 बार आपको प्रयोग करना है। गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी रहता है। और अंत में मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का आप प्रयोग करें तो एक बार अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से अवश्य ही सलाह ले लें, क्योंकि वह आपके दोषों की स्थिति को समझकर, आपके व्यय की स्थिति को समझकर उचित औषधि देने का निर्णय लेगा। तो दोस्तों, शंख पुष्पी के विषय में आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।